आज मुरादाबाद लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी मशहूर शायर इमरान प्रताप गढ़ी ने रोड शो निकाला। रोड शो के दौरान इमरान प्रताप गढ़ी का महानगर पहुंचने पर इमरान प्रताप गढ़ी को देखने के लिए लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा और लोगों ने इमरान प्रताप गढ़ी का जगह जगह पर फूल मालाओं से स्वागत किया। कांग्रेस प्रत्याशी का रोड शो प्रिंस रोड चड्डा सनीमा से शुरू होकर भूड़े का चौराहा होकर हाफिज बनने की पुलिया जामा मस्जिद होता हुआ GIC चौक पहुँचा। उसके बाद मंडी चौक के रेती मोहल्ला लालबाग पहुंचकर समाप्त हुआ। इमरान प्रताप गढ़ी ने कहा, मैंने ऐसा सफ़र शुरू किया है जिसमें मुझे लोगों का दिल व चुनाव जीतना है। जो अपनापन मुझे आज पूरे रोड शो के दौरान मिला है, वही अपनापन मुझे चुनाव में मिलना चाहिए। मुरादाबाद का बच्चा बच्चा इमरान प्रताप गढ़ी का चाहने वाला है और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोगों के विश्वास पर खरा उतरूंगा। शायरी अंदाज में उन्होंने कहा, जहां मुरादाबाद की जनता का अभिनंदन किया और कहा, जो सफ़र इख्तियार करते हैं वही दरिया को पार करते हैं, पर चल के तो देखिए। शायराना अंदाज में इमरान प्रताप गढ़ी ने कहा, अपना रोड शो किया और मुरादाबाद की जनता का दिल जीत लिया। मुरादाबाद से अय्यूब खान, लाइव अभी तक। आवाम से गुजारिश करूंगा, अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि जिगर मुरादाबादी साहब के शहर में शायर आया है, इसे अपना लीजिए। ये नेता बन के नहीं आया है, बेटा बन के आया और बेटा बन के रहेगा हमेशा। इमरान भाई कर उर्मिला माथोड़ के कांग्रेस में शामिल हुई है, उन्होंने एक डर की बात कही है, आप ही उस दर्द को हर रचनाकार महसूस कर रहा है, जो भी कलाकार है वो महसूस कर रहा है कि पाबंदी लगाई जा रही है, रचनात्मकता खत्म की जा रही है। ये जो तानाशाह सरकार है वो लगातार कलम का गला घोटना चाहती है, लेकिन हम न झुकेंगे न डरेंगे, हम लड़ेंगे और बदल के रख देंगे। इससे इससे पहले राजबब्बर मुरादाबाद में आने वाले थे, लेकिन उसके बाद में आपको मौका मिला है, क्या कहे? मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष लड़ना चाहते थे फतेहपुर सीकरी, मैं लड़ना चाहता था मुरादाबाद जी, बदलना बदली हो गई।